संगीत चक लगाते हो कि 3.5 मिनट तक मिली जरूर चुप रहेगी। लगे बाबूजी? नहीं लगे, मिली 2.5 मिनट से ज्यादा चुप रह नहीं सकते। अच्छा श्वेता जी कितने चुप रहेगा? 20 सेकंड्स ना, तो लगी शर्त। लगी, अगर ये 30 सेकंड चुप रह जाए तो 100 रुपीज की बैठ। 100 रुपीज? ओके ओके। अब मौका है, थोड़ी देर तुझे चुप रहना पड़ेगा, अपन काम की बात करना है। तुम्हारा ट्रांसफर का क्या हुआ? उम्मीद तो है बाबूजी, तब तो बेटे फ्लैट तुम्हारे लिए छोटा पड़ेगा। एक बात है, मेरे एक दोस्त का फ्लैट कोलाबा में खाली है, उसमें 2 बेडरूम है। कुछ कहना चाहती है क्या? ओहो, मकड़ी का जाला। चल, सारा फ्लैट खाली नहीं क्या? लीजिए बाबूजी, मिली ने तो 20 सेकंड का रिकॉर्ड 10 सेकंड में तोड़ा। ओके ओके, आप हार गए हैं, आप सौ नहीं। जीता मैं और सौ का तू। अच्छा, जीता मैं, किसकी वजह से जीता? निकल रहे निकालता हूँ। थैंक यू। देखिए, आज मेरी तरफ से डिनर है, आप जरूर आइए। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन डिनर किस खुशी में? जी मेरे भैया आए हैं, उनको वीर चक्र में। ओह, तब तो जरूर आना पड़ेगा, लेकिन तेरे भैया ने कोई तीर नहीं मारा, वीर चक्र मेरे बेटे को भी मिला है। ओहो, वीर चक्र पाने वाला किसी न किसी का तो बेटा होगा ही। वो तो होगा ही। तो फिर ये एक बात तो मिली ने बहुत समझदारी की, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग मानते मनाते रहिए, मैं जरा सबको बुला के आती हूँ। मिली तो ठीक लग रही है। ठीक तो लग रही बेटा, लेकिन ये डॉक्टर का चक्कर जो बंद नहीं हो रहा है। ये चक्कर तो बाबूजी चलता ही रहेगा। बेटा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि इसकी बीमारी अच्छी हो जाए। इस बीमारी पे काम तो चल रहा है, कभी भी कोई दवा निकल सकती है बाबूजी। भगवान करे। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी। मंदाकिनी, विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स विद द डे। थैंक यू। आ जाओ रंजीत, दरवाजा खुला है। अरे तुम तो जरा भी नहीं बदले, घंटी बजाने का स्टाइल भी बिल्कुल वही है। वक्त के साथ साथ आदमी को थोड़ा बहुत जरूर बदलना चाहिए, वरना वक्त बुरा मान जाता है। अरे खड़े ही रहोगे क्या? आओ ना। तुम वक्त के साथ कितना बदल गई हो रूना। मैं? हाँ, मैं बहुत बदल गई हूँ, कभी कभी खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। तुम कितने दिन के लिए आए हो? बस कल भर, परसों वापस चला जाऊंगा। तुम्हें हमेशा जाने की जल्दी क्यों रहती है? रुक कर करूंगा भी क्या, बातों ही बातों में मैं कहीं भूल ना जाऊं। तुम मिली से कह देना कि वो टेरेस वाला फ्लैट पे क्या है। याद आया, वीर चक्र पाने पर मैंने तुम्हें जो मुबारकबादी का खत लिखा था, तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब तो कई बार लिखा, लेकिन समझ में नहीं आया कि खत को शुरू और खत्म कैसे करूं। कि अब भी शुरू में मुझे मेरी रूना और आखिर में तुम्हारा रंजीत लिखना चाहिए। जब मुझे वीर चक्र मिला तो मेरा बड़ा जी चाहा कि मैं प्रेसिडेंट को एक खत लिखूं कि मैं आर्मी में मरने के लिए भर्ती हुआ था। आप मेरी गिनती जिंदों में क्यों कर रहे हैं? खैर छोड़ो इन बातों को, तुम सुनाओ कैसी हो? अच्छी हूँ। रमेश जी कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने करोड़पति के लड़के से शादी कर ली। रूना, इसमें चौंकने की क्या बात है? मेरे पास था ही क्या, सिर्फ एक बदन। उस लड़की के पास बदन भी था और करोड़ों का बैंक बैलेंस भी। आई एम सॉरी। क्यों, इसमें सॉरी फील करने की क्या बात है? मैं रमेश को बिल्कुल भूल गई हूँ रंजीत। रूना, क्या जिंदगी फिर से शुरू नहीं हो सकती? अब मैं वो रूना कहाँ रही रंजीत, जानते हो क्यों? रमेश को बहुत घमंड था कि वो चुटकी बजाते लड़कियों को फंसा लिया करता था। मैंने सोचा
क्या फंसाने का नाश सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, औरतें नहीं? मैंने भी मर्दों से खेलना शुरू कर दिया, लेकिन देखा कि मर्दों को फंसाना बहुत आसान है, इतना आसान कि मैं कुछ ही दिनों में उब गई। एक दिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं अंदर से खोखली हो गई हूँ, मेरी आत्मा मर गई है रंजीत। दादा, बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? मिली ने कहा था ना 8 आदमी आएंगे, 12 आ चुके। घबराओ नहीं भैया, मिली का 8 का मतलब कम से कम 16 होता है, मैंने 16 का इंतजाम किया है। किया? बहुत अच्छा किया, बड़ी खुशबू आ रही है, घी में तला है। हेलो अंकल। कहाँ है तुम्हारे फेमस भैया? भैया ये है मेरे भैया कुलकर्णी अंकल। हेलो, आइए ना बैठिए प्लीज। आइए आंटी, आप आइए। हेलो, आइए बैठिए। 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 गिन रहे। अरे तूने तो कहा था 8 आएंगे, यहाँ तो 17 आ गए। पांच को मैंने थोड़ी कहा था, खुद आ गए। मान लिया तूने 5 को नहीं कहा, लेकिन 8 की जगह 12 को तो कहा था, उस हिसाब से खाना तो बनेगा कि नहीं? नमस्ते, आइए आइए बैठे। उन्नीस आ चुके हैं, न जाने और कितने आने वाले, मैं किसी होटल भेजता हूँ। अब तो मंगाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बुआ, ये काम करो, आलू की तरकारी है ना, उसमें बहुत सारे लाल मिर्च डाल दो, तीखे लगने पर लोग कह रही है तू? हाँ बाबूजी, तीखे लगने पर लोग बहुत पानी पिएंगे, फिर खाना कम खाएंगे। जा जा तो अपना काम कर। तू फिक्र न कर, मैं किसी को होटल देता हूँ। हेलो कैप्टन। हेलो संजय। अरे तू आजकल फोन पे मिलता ही नहीं, बात क्या? अब तो तू पब्लिक फिगर बन गया भाई, इसीलिए पब्लिक ही होकर तुझसे मिलना आया हूँ। संजय बेटा तुम आ गए, तुमसे जरा काम है, अंदर आओ। बड़ी मुसीबत हो गई संजय, तुम्हारे पेशेंट ने तो खतरे में डाल दिया। क्यों? ठीक तो लगती है मिली? वो बात नहीं, बोल रही थी कि 10-15 दिन में खाने को आएंगे, अब तुम देख रहे हो। एक काम करो, गजीबो चले जाओ और 10-15 आदमियों के लिए एक्स्ट्रा खाना ले आओ। चल संजय। नहीं नहीं, तू कहाँ जाएगा, ये लोग सब आए हैं तुझसे मिलने के लिए, तू बैठ, मैं जाता हूँ। भाभी हाँ बैठो ना। अरे मिली के भैया कहाँ? वो कैप्टन खन्ना, यहाँ आइए जरा, हमें भी तो लड़ाई की कहानी सुनाइए। सुन, मैं मनीषा को यहाँ बुला लेती हूँ, तो फट से जाके रंजीत के पास बैठ जाना। क्यों? ज्यादा बकबक मत कर, जो बोलती हूँ वो कर। मनीषा जरा सुन तो, क्या है भाभी? क्या कह रही थी मैं? देखा भूल ही गई, आजकल मुझे क्या हो गया समझ में नहीं आता। मेरी संजली ननंद है ना, उसका भी यही हाल है, जब भी कोई काम की बात होती है। अच्छा जा तुम बैठो। मिली बेटी देख, तूने बुलाया था, मैं आ गया। बहुत अच्छा किया शर्मा जी आ गए, आपके बिना तो पार्टी कुछ जमता ही नहीं है। अपनी पत्नी और लड़के को नहीं लाया? अरे भाई वो सिनेमा देखने गए हैं। अच्छा अच्छा बिठाओ। हेलो होटल गजीबो, देखिए डॉक्टर संजय चौधरी अभी आप क्या खाना पैक कर रहे हैं, कितने आदमियों का? देखिए 15 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 30 कर दीजिए, बाकी और जरूरत पड़े तो मैं आपसे कहूंगा। थैंक यू। तू क्यों मुंह लटकाए बैठी है? नहीं बाबूजी, वो क्या हुआ, मैं जहां भी। अरे पर क्या हुआ, इतने दिनों के बाद तेरे भाई आया है, इतने लोग खाना खा रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। Many happy returns of the day. कौन है? कौन हूँ मैं? क्या? कहाँ से चला? कौन है? आज तक तो कोई दुनिया में इस सवाल का जवाब दे पाया है कि कौन हूँ मैं? किसे ढूंढ रहा? मंदाकिनी।
ये मंदाकिनी नहीं है। आप कौन सी मंदाकिनी को ढूंढ रहे हैं, महाभारत वाली या मंदाकिनी अय्यर जिसकी सालगिरह मनाई जा रही है? मंदाकिनी अय्यर 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 वो नीचे नीचे कोई बात नहीं। मैं मंदाकिनी अय्यर के लिए सेकंड फ्लोर तो क्या, मैं जमीन के नीचे भी जा सकता हूँ। चलिए जमीन की मंदाकिनी अय्यर के बारे में शायद मीटिंग बुलाई हो।